साहसिक, झगड़ालू, विवादित, ये कहानी है इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेंजामिन स्टोक्स यानी कि बेन स्टोक्स की। '91 क्राइस्टचर्च में रहने वाले रग्बी लीग प्लेयर गेड स्टोक्स को भनक भी नहीं थी कि उनका बेटा वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे मशहूर ऑलराउंडर्स में से एक होगा। 12 साल की उम्र में उन्हें इंग्लैंड आना पड़ा जहां उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। बेन स्टोक्स बचपन से ही ऑलराउंडर बनना चाहते थे। उन्होंने 2009 में डरहम के लिए अपना डेब्यू किया और अपने तीसरी ही बॉल में उन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर का विकेट भी लिया। स्टोक्स ने न सिर्फ डरहम के लिए बल्कि इंग्लैंड की अंडर 19 टीम के लिए भी खूब विकेट लिए और रन्स जोड़े। 2011 में उन्होंने इंग्लैंड की सीनियर टीम के लिए डेब्यू भी किया, लेकिन स्टोक्स का मन इतने से कहां भरने वाला था। जो जादू वो व्हाइट बॉल से करता आ रहा था, उन्होंने उतनी ही मेहनत रेड बॉल क्रिकेट में लगाई। 2013 के एडिलेड टेस्ट में बेन स्टोक्स को क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट में खेलने का मौका मिल गया। अपने दूसरे ही टेस्ट मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विरोधी टीम के सामने अपना पहला शतक जड़ दिया और पूरी दुनिया को बेन स्टोक्स ने अपनी क्षमता दिखा दी। 2015 के नाकामयाब वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड की व्हाइट बॉल टीम में बहुत से बदलाव आए। उन बदलाव के चलते स्टोक्स इंग्लैंड के महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक बन गए। अगले साल जब इंग्लैंड 2016 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीतने की कगार पर थी, तो आखिरी ओवर में 19 रन बचाने की जिम्मेदारी बेन स्टोक्स के कंधों पर आ गई। वेस्टइंडीज के कार्लोस ब्रैथवेट ने स्टोक्स की पहली चार गेंदों में चार छक्के जड़ दिए और इंग्लैंड के T20 वर्ल्ड कप जीतने के सपने को चूर चूर कर दिया। इंग्लैंड को अक्सर अपने प्रदर्शन से मैच जिताने वाला खिलाड़ी जमीन पर बैठकर अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा रहा था। सितंबर 2017 में स्टोक्स की जिंदगी में एक और झटका आया। ब्रिस्टल के एक नाइटक्लब के बाहर हाथापाई करते हुए पकड़े गए बेन स्टोक्स। इस कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े। इस कंट्रोवर्सी के कारण उन्हें एशेज स्क्वाड से निकाला गया और उनसे इंग्लैंड की वाइस कैप्टनसी भी छीन ली गई। 2018 में उन्हें बाइज्जत बरी किया गया और उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। 2019 के घरेलू वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने न्यूजीलैंड के सामने 84 रनों की बेहतरीन पारी खेली और इंग्लैंड को अपना पहला वर्ल्ड कप भी जिताया। इस ऐतिहासिक जीत के एक महीने बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने एक ऐसी पारी खेली जो शायद ही कोई क्रिकेट प्रेमी भुला सके। उन्होंने नाबाद 135 रन बनाए और आखिरी विकेट के लिए जैक लीच के साथ 76 रनों की शानदार साझेदारी से इंग्लैंड को हेडिंग्ले में एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। जब कोई खिलाड़ी एक साल में अपने कौशल का ऐसा अनोखा प्रदर्शन करे, तो जाहिर सी बात है कि वो कोई आम खिलाड़ी नहीं होगा। उन्हें 2019 में ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर और ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। 2020 में रेगुलर कैप्टन जो रूट की गैर हाजिरी में इंग्लैंड की टेस्ट कप्तानी सौंपी गई बेन स्टोक्स को। स्टोक्स ने इसके पहले कोई भी फर्स्ट क्लास मैच में भी कप्तानी नहीं की थी। इंग्लैंड को वेस्टइंडीज के सामने उस मैच में हार मिली, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का बेन स्टोक्स की कप्तानी से विश्वास नहीं उठा। दिसंबर 2020 में बेन स्टोक्स के पिता गैरल्ड स्टोक्स का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद बेन स्टोक्स जब भी सेंचुरी लगाते, उनके पिता को हमेशा याद करते। उनके करियर में कई ऐसी चुनौतियां आईं, लेकिन स्टोक्स ने उनका जमकर सामना किया। जब भी वो बेहतरीन फॉर्म में नजर आए, तो इंजरी उन्हें क्रिकेट से वापस दूर ले जाती। 2021 में बेन स्टोक्स ने एक इंजरी और उसके मानसिक दबाव की वजह से क्रिकेट से थोड़ा आराम लेने का फैसला किया। उनकी गैर हाजिरी में इंग्लैंड क्रिकेट एक भयानक दौर से गुजर रही थी। जहां भी इंग्लैंड जाता, उसे हार ही मिलती। जब भी कोई टीम इंग्लैंड आती, घरेलू टीम को चौंका देती। ऐसे दौर में जो रूट ने इंग्लैंड की टेस्ट कप्तानी को त्यागने का फैसला कर दिया। 2022 में बेन स्टोक्स को इंग्लैंड का फुल टाइम कैप्टन बनाया गया। उनकी कप्तानी में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के सामने 299 रनों के टारगेट को मात्र एक दिन में चेज कर दिया और सीरीज को 2-0 से जीत लिया। स्टोक्स ने दिखा दिया है कि वो डिफेंसिव कैप्टन नहीं है। उनकी टीम ने वो कर दिखाया है जो शायद पहले कोई इंग्लैंड टीम में सोच भी नहीं सकता था। आशा करते हैं कि बेन स्टोक्स अपने खेल से हमें यूं ही प्रभावित करते रहेंगे। तो ये थी कहानी बेंजामिन एंड्रयू स्टोक्स की। ऐसे ही कई क्रिकेट जगत के हीरोज की कहानियां देखने के लिए स्पोर्ट्स कीड़ा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।